ये हम सुनियों की कमर तोड़ गए और ऐसा आज पूरी कौम सोगवार है। अर्ज़े वतन पाकिस्तान से उसका सच्चा मुहिब बासी चला गया। और उम्मते मुस्लिमा से उनका सच्चा रहनुमा चला गया। आज भी हमने आना था लेकिन लजपाल पीर तुर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब गुज़िश्ता रात इंतकाल फरमा गए। उनकी इंतकाल की खबर जहाँ तमाम आशिकाने रसूल पर बिजली बनकर गिरी, उनकी रहायशगाह के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अवाम का एक जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है। रिक्कत अमेज़ मनाजर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं और उनके दीदार के लिए कि तार वाइज दो आशिकाने रसूल जा रहे हैं, उनका दीदार कर रही हैं। और आइए कुछ आशिकाने रसूल से बात करते हैं। जी नाज़रीन, बाबा जी के खादम, बाबा जी के आशिक हमारे साथ मौजूद हैं जो ज़ारों के तार हो रहे हैं। रिक्कत अमेज़ मनाजर यहाँ पर रात से देखने को मिल रहे हैं। तो उनके शिगिर्दे ख़ास हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी का जो ख़ुला है वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता। आपने उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा है, तो क्या कहेंगे इस गम की घड़ी में आप? मैं तो यही कहूँगा इस गम की घड़ी में कि बला बाबा जी के दुनिया से पर्दा फरमाने के साथ इस वक्त सिर्फ पूरे आलम इस्लाम इस वक्त यतीम हो चुकी है। कि इन्होंने इस जज्बा से इश्क रसूल का पैगाम पूरी उम्मत को दिया। वो इतने नाडर थे कि बड़ी बड़ी ताकतों से उन्होंने टक्कर ली, फ्रांस क्या, इंडिया क्या। इस वक्त वो जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो खुश हो रहे हैं। वो किस वजह से खुश हो रहे हैं? वो इसी वजह से खुश हो रहे हैं कि वो नाडर थे, वो इस्लाम का पैगाम पूरे ज़ोर के साथ, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ पूरी दुनिया में फैला रहे थे। और इस वक्त जो जज्बा इश्क रसूल लोगों के दिलों में उभर रहा है वो इन्हीं की कुर्बानियों का सदका है कि उन्होंने लोगों के दिलों में, जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर जज्बा इश्क रसूल पैदा किया। और ये खला ता कयामत पुर नहीं हो सकेगा, इन लोगों की ये कुर्बानियाँ हैं। और किबला ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जो ये लब्बैक या रसूलल्लाह का के नारे से लोगों के जज्बों को उभारा, और जो भी लफ्ज़ उनकी ज़बान से निकल जाता था वो दुनिया में इस तरह मशहूर हो जाता था कि और अगर किसी ज़बान से निकले वो मशहूर नहीं होता। देखिए, मन सब्बा नबीन फ़क्तलू, ये चंद दिनों पहले किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ये नारा लगाया था। आज मन सब्बा नबीन फ़क्तलू, चंद दिनों पहले ये नारा लगाया था, आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तोहीन करे उसको काट कर रख दो। और मैं यही कहूँगा कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन का खला ये पूरी ज़िंदगी ता कयामत यानी पुर नहीं हो सकता। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। मैंने काफ़ी उनके इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारी मोहब्बत से बनवासते थे आपने देखा है। तो आप उनके शागिर्दे ख़ास रहे हैं, तो अल्लामा साहब ने कोई ख़ास आपको पैगाम दिया हो? हमेशा हमने देखा कि वो डटे थे ख़त्मे नबूवत पर, अगर कोई बंदा डटा नज़र आया तो अल्लामा साहब नज़र आए हमें। मैं जब किबला उस्ताद मोहतरम के पास बैत करने के लिए आया तो जब मैं पहुँचा ना वहाँ तो उन्होंने पूछा क्यों आए हैं आप, तो मैंने कहा मैंने बैत करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा जाके पहले वो स्टाम लेके आएँ। तो फिर मैं यहाँ कचहरी में गया, स्टाम लेके आया। तो जब मैं स्टाम लेके पहुँचा उन्होंने कहा आप तो बड़े ईमानदार नज़र आते हैं। फिर उन्होंने कहा स्टाम नीचे रख के जाएँ, वो देखें स्टाम किस पर ले रहे थे। तो फिर सुबह दूसरे दिन मेरे भाई थे वो भी आए मेरे साथ, उन्होंने लिखा कि ये नामूस रिसालत पर कट मरने का इधर लिख दो। फिर वहाँ लिखा गया कि मैं, मेरी औलाद, मेरी माल जान, इज़्ज़त आबरू, हर चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए तैयार है। यानी जिस जो भी बैत करता था ना उससे यही कहते थे अपना सब कुछ नामूस रिसालत पर कुर्बान करना, यानी इस वजह से यानी वो बैत करते थे। ये उनका था जज्बा इश्क रसूल। हमारे सामने जो आपको इलम दिया, जो सिखाया, उस पर आप चलेंगे सारे? इंशाल्लाह हम मरते दम तक उस पर चलेंगे और हम नामूस रिसालत के लिए पूरी ज़िंदगी यानी वक्फ़ करेंगे, अपने माल, अपना जान, अपनी इज्जत आबरू, हर चीज़ नामूस रिसालत पर कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। आप सारों की तार रो रही हैं, ख़ास मोहब्बत ही, किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक अलीपुर जतोई से है। और वैसे अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब हमारे खूनी रिश्तेदार नहीं है, मगर खुदा की इज्जत की कसम हम उनसे अकीदत इतनी करते हैं, खून के रिश्ते तक से बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करते हैं। मेरे बहन भाई सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम की नमूस पर मर मिटने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और हम सबको ये जज्बा मिला। मेरे बड़ा भाई यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का वो मुरीद हुआ। सब चीज़ से बढ़कर इश्क रसूल है और इश्क रसूल का जज्बा मेरे बाबा जी ने हमें दिया। और ये हमारा जो नारा है, मन सब नबी जन फ़ख तुलू हो, आज एक छोटे छोटे बच्चे की ज़बान पे भी ये नारा है, मन सब नबी जन फ़ख तुलू हो, यानी जो सरकार अलैहिस्सलाम की नमूज में, सरकार अलैहिस्सलाम की शान में, सरकार अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त में कमी करना चाहे, सरकार अलैहिस्सलाम को गाली दे, उसे काट कर रख दो। मेरे कैद का ये फरमान हमारे दिलों पर लिखा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा हैं सरकार अलैहिस्सलाम की शान पे मरते रहेंगे और अपने कैद को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, आप रास्ते ही आ गए आज़ाद कश्मीर? हम इधर ही पढ़ते हैं और बाबा जी से बेहद मोहब्बत है और इंशाअल्लाह बाबा जी तो नामोस की खातिर दुनिया से चले गए और आखिरी दम तक नामोस की खातिर लड़ते रहे, इंशाअल्लाह बाबा जी का ये जज्बा ता क़यामत सलामत रखेंगे। नाज़िर एक और आशिक़ रसूल सिंध से तशरीफ़ लाए हैं दरगाह से, तो इनसे बात करती हैं। सर, मौलाना साहब का तो खला पूरा नहीं हो सकता, आशिकों का जमे गफ़ीर है, रिक्कत अमेज़ मनाजर हम रास्ते यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। एक अजीम हम सुन्नियों का विछोड़ा है, हजरत अमीर मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी, एक सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, जहाँ भी आशिक़ रसूल हैं उनकी जान थी। एक अजीम आशिक़ रसूल और एक आलम दीन का जाना, सारी दुनिया का फौत होना है। सरकार का फरमान हदीस शरीफ है, एक आलम का फौत होना सारे आलम का फौत होना है। ये हम सुन्नियों की कमर तोड़ गए और ऐसा आशिक़ रसूल हमने कभी देखा नहीं है। अमीर मुजाहिदीन जैसे आशिक थे, जैसे दीन पे गैरतमंद थे और ख़त्म नबूवत पे जिसने ऐसा झंडा बुलंद किया कि सारी दुनिया में ऐसा कोई आशिक रसूल दुनिया में आया नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनके बच्चों में उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला उनके बच्चों से कोई एक और खादिम रिज़्वी इंशाअल्लाह ताला करके देंगे कि ये इंशाअल्लाह ताला हम सुन्नियों की दिल ठंडी होंगी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साहब, इलामा साहब का खला तो पूरा नहीं हो सकता, जो उनकी तलीमात थी उसके हवाले से आप ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, एक अजीम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़र्ज़ंदे तौहीद और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, जिनकी तालीमात ने लाखों दिलों को इश्क़ नबी से गरमा दिया। पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने वो काम किया कि पूरी दुनिया लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंज उठी। दूध पीते बच्चों से लेकर के 80-80, 90-90 साल के बुज़ुर्ग चेहरे अल्लामा ख़ादिम हुसैन का चेहरा देकर चमक उठा करते और रसूल पाक की अज़मत के नारे लगाया करते। उनकी तालीमात में सबसे बड़ी तालीम यही है कि जो उनके इमाम इमाम अहमद रज़ा ने हमें दी, करूं तेरे नाम पे जहाँ फिदा, ना बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोरों जहाँ नहीं। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आईने पाकिस्तान के पासदार थे और वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक चाहते थे कि अदलिया पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामोस रिसालत पर जो कानून साजी हो चुकी है उसकी पासदारी करे, उसका निफाज करे। और आलमी सतह पर भी आपका ये ऐलान था कि हर कौम, हर मुल्क, हर बाशिंदा पाबंद है हमारे हजूर की ताज़ीम व तौक़ीर का। किसी भी मज़हब के किसी भी फ़र्द को रसूल पाक की तौहीन की इजाज़त ना दी जा सकती थी, ना दी जा सकती है। कसे बाशद कोई हो, अपना हो या बेगाना हो, ख़ादिम हुसैन रज़वी की तालीम रसूल पाक की हदीस के मुताबिक यही है, मन सब्बा नबीयन फ़क्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फ़क्तुलूहु, के जो रसूल पाक की बेदबी करे उसको जीने का हक नहीं है। आज पूरी कौम सोगवार है, अर्ज़े वतन पाकिस्तान से उसका सच्चा मुहिब बासी चला गया और उम्मते मुस्लिमा से उनका सच्चा रहनुमा चला गया। रसूल पाक की रहमतें उन पर हों,
अल्लाह की इनायतें उन पर हों और उनका मिशन क़यामत तक जिंदा रहे, सलामत रहे। हाजिर एक और आशिक रसूल अल्लामा साहब के जुदाई में ज़ारों की तार रो रहा है। इस टाइम पूरी उम्मत मुसलमा ही रो रही है, दिक्कत अमेज़ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। कब से आप बाबा जी के बैठ थे? सब्र का मुजाहरा कीजिए, उनसे हकीदत मोहब्बत का इजहार कीजिए। बस नहीं नहीं बोला जा रहा भाई इनसे। चंगा मांगा से जी, हम चंगा मांगा से हैं। बाबा जी से मुलाकात हुई थी इसकी? जी जी तकरीबन हर धरने में जी। फैजाबाद धरने में गए थे? हम फैजाबाद गए थे, जब ये तो धरना हुआ ना 2-3 दिन पहले, उधर हम गए थे अपने पीर के साथ, उधर बैठे रहे हैं और वापस आए हैं। आज भी हमने आना था लेकिन लजपाल पीर टूट गया। तेरे नबी दे नाल वफावां करदा साडा लजपाल पीर टुर गया, साडा लजपाल पीर टुर गया, तेरे हबीब दे नाल सच्चियां वफावां करदा टुर गया, ओ काली कमली वालिया। शहजादा नशीन दरबारे आलिया काला शाह काकू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अलामा साहब का खला तो पूरा नहीं हो सकता, तो इस गमगीन मौके पर क्या पैगाम देंगे उम्मत मुसलमा को? बस जो किबला उस्ताद मोहतरम मिशन दे के गए ने उसनों खूबसूरत अंदाज दे विच अगे बढ़ाइए और आप दे जड़े पैगाम नूं अगे लै के चलिए और नए नस्लों तक पहुँचाइए। आप तो चले गए जिस तरह गाजी अलमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपनों फांसी देने लगे और आपने फरमाया कि कोई मत सोचे कि गाजी अलमुद्दीन जा रहा है और इसका मामला ख़त्म हो जाएगा। गाजी अलमुद्दीन अगर जा रहा है लेकिन यदा खंजर वो बाहर छोड़ के जा रहा है कि कोई भी अगर गुस्ताख रसूल उठेगा उदा जड़ा सर तन तो जुदा कर दिता जाएगा। इस तरह की बला उस्ताद मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे हजूर ते पहुँच गए लेकिन आप दा मिशन अगे नालों बढ़ के इंशाअल्लाह बहुत बढ़ के इंशाअल्लाह ए तहरीक पाकिस्तान की सतह नहीं बल्कि पूरे कायनात दे विच आसन अंदाज दे विच उभरेगी। अल्लाह करीम किबला उस्ताद मोहतरम आप दे सदके साड़ी कामिल मगफिरत और बख्शिश फरमावन।